ये लगभग एक महीने पहले की बिजाई है, जिसमें सही ढंग से बिजाई ना होने के कारण, मतलब सीड ड्रिल सही ढंग से नीचे नहीं बैठ पाया था, उसके कारण नमी ना मिलने के कारण बहुत सारा बीज निकल नहीं पाया है बाहर, मतलब ऐसे ही पड़ा है नीचे। तो इसमें आज सिंचाई कर रहे हैं स्प्रिंकलर से, ताकि ये जो नुकसान हुआ है वो थोड़ा सा उसकी भरपाई हो जाए। तो ये वो वाले खेत हैं जिनमें स्प्रिंकलर चलाने की ज़रूरत पड़ रही है, और ये वो खेत हैं जिनमें हम लोगों ने रोटावेटर चलाया था। स्प्रिंकलर जिन खेतों में चलाया जा रहा है उनमें मेन परेशानी सही ढंग से बिजाई ना होना ही था, उसमें रोटावेटर चलने ना चलने वाली बात नहीं थी। जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं, ये वो वाला खेत है जिसमें शुरुआत में बिना रोटावेटर चलाए हम लोगों ने बिजाई करने की कोशिश की थी, पर बाद में हम लोगों को महसूस हुआ कि इसमें रोटावेटर चलाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं पौधे ज़्यादा बेहतर ढंग से निकले हैं, लेकिन रोटावेटर चलाने के बाद कुछ दिन के बाद जिधर बिजाई हुई थी वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पौधे ज़्यादा और बेहतर ढंग से निकले हैं। कारण उसका क्या है कि जब आप बिना रोटावेटर चलाए सीड ड्रिल से बिजाई करते हैं तो सीड ड्रिल एक सार ज़मीन में नहीं लग पाता है। जैसे इस जैसी जगहों पर पहुंचने के बाद आपको सीड ड्रिल अगर थोड़ा सा उठाना पड़ जाए ऊपर, तो बीज नीचे गीली मिट्टी में नहीं जा पाते हैं, जबकि रोटावेटर चलाने के बाद वो परेशानी नहीं होती है। आप लोग देख सकते हैं ये रोटावेटर चला हुआ हिस्सा है, और ये बीच वाला हिस्सा जिसमें नहीं चला था, और ये जिन खेतों में अभी स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हैं भाई लोग, उससे यहाँ पर भी पौधे ज़्यादा बेहतर ढंग से निकले हैं, लेकिन फिर भी ये वाला हिस्सा ज़्यादा बेहतर है। और तो अलग अलग किसान अलग अलग क्षेत्रों में रोटावेटर और बाकी सभी इम्प्लीमेंट्स का भी अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ रोटावेटर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है कि क्योंकि ज़मीन हमारे यहाँ बहुत सख्त है और ढेले बहुत बड़े बड़े निकलते हैं, तो अगर आप एक बार रोटावेटर चला दें ऊपर से, तो फिर सीड ड्रिल से बिजाई करते समय बीज एक सार नीचे एक समान गहराई पर जाते हैं, और ये लगभग 20 दिन पहले की बिजाई है। और जिनमें स्प्रिंकलर चलाया जा रहा है खेत में बगल के, उसमें एक महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है बिजाई किए हुए। उसके बाद बाद में जब पौधे और बड़े हो जाएंगे तो ये भी देखेंगे कि जो बाद में पौधे बनते हैं उनमें क्या अंतर आता है, क्या उनमें भी कोई फ़र्क दिखेगा, या फिर जो भी होगा वीडियो में दिखाएंगे आगे भी। अभी के खेत को चने का हवा बबा रहे बार हवा हवा ये के वो मत ये है नहीं है चना तो मेरा भीत के उखाड़े होगा ये कई खन को ला गए ये दे ये दे ये दे ये जमन चना सब को जाम ये दे हां अच्छा ये दे एक गीला बस में मिट्टी है पूरा जाम है एक साउदम पहली सातल चराग देखें ले ओखा बात प्रेशर कहूँ अच्छा रही ना तब बढ़ा हाँ प्रेशर ला देख के बढ़ाबो ना कम कर बो प्रेशर ला देख के हाँ एक पाइप और जाना रिस्क में अब वो में लेना दे में ले देख के पलोग में आज के भला चला नहीं तू अलीपुर लामा ओखा आज हेर के फिर खोले वाला कंजर ना भारी चलेंगे, एक हर बात लगा वो, तब पता चलती, फोर्स कटना है, ये चीज़ लगा लाते हैं, काम चला
बहुत कर हुआ दी से कर दे मिल घर कर पैक कर वो मेरे ढंग से लगे नहीं है जल्दी लगा चलो तीसरा नंबर खेलो देखने पर भाई सर दे पाले फर्रा मारते धंधो पाल लेगा चालू कर की तो चालू कर तो गा बाबा चल पता चल गया लीकेज के बंद करवा दे कब वो चला ना कि क्या शुरू वाले बस नहीं चला शुरू में चले जल्दी हाँ ये लीकेज बंद भाई तो सब बंद कर देगा वाह सारे नहीं है मेरे भाई है उन्हीं बात कर लगा ले ढीले है वाइसर है आने वाइसर लेके चालू कर जगह अरे गमाते वाइसर तीन चल रहे हैं एक सिंगर है ऊपर ही ज्यादा फोर्स और दो पाले मार रहे थे ना बाकी वाले देखे पर ही हो रही घूमते एक था बढ़ाना है नोजल धंधू नौ ठा नहीं चला हाँ वही में रहे फोन में नौ ठा नहीं चला देखे पढ़ी फोर्स बहुत बताते ना पांच की मोटर छह स्टेज की मोला लगते लीकेज नहीं हुई कोई जगह नौ ठा गला चल जाए आठ ठील तो नोजल लला है ना गा मात के हैं दस फीट लावे की के नहीं ले छह ठा चला ही गात्री से बोर ले ओ लीकेज नहीं हुआ है कतको कल चला देते हैं काली के चार आठ ठा उतारे हैं मैं स्किन देख बाबा वो नोजल हो गई दिखने लगा
हरेक घदे बीच में हो गए खेत के काम वो खेत ले वैसे पर नौ ठो दस ठो चला डर गया कहीं काट नहीं जाना पड़े के हैं जाम जाए ऐसे ऐसे दे ऐसे 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 ये मत देना का कमा बेंड में हाँ आरू में ज़्यादा प्रभाव थोड़ा ऐसे दे मैंने प्रेशर है इसमें ज़्यादा रही है ऐसे पूरा गोल हाँ सब बोल हदी देती पहले पहले ये मत दे अब पाइप माल देख देख के लमा दे रही बाबा दे तीर ले ऐसे प्रेशर है मैं ज़्यादा रही ना हाँ सब पाइप ले आए आओ यही होती देख मैं बताऊं पार लायक तिल देख ले रही ओखर बाद ना एक पाइप दिया तक के जाते तो है एक पाइप होती दो पाइप के आड़ मना तीसरीम देबो हाँ उसके महा है एक पाइप दे मैं दिया तक के मार रही अरे यहाँ तक के मार पहली चालू करे यहां तक के मारा थे देख लोड ज्यादा नहीं पर ही बोर ले वैसे तो ना स्प्रिंकलर में प्रेशर रही थे हाई तभे तो एक हर मतलब ये है अलग रही थे तब एक ठीक बढ़ाए के लिखे ज्यादा दूर ले नहीं लेना है कवर कवर अब यही है यहाँ तक के मारा थे एक ठीक लगाते हैं तो दे मेरा यूल कवर कर देती है तेरे एक ठीक दे में तो पार जाती है अरे दे वो खेत पार जा सकता है यही कोतलाना रहीस जरूर जाने ऐसे कवरेज है ना एकर मतलब प्रेशर उसर है मोल ठीक लगत है स्प्रिंकलर में ना मतलब एक यही तो एकर खासियत है प्रेशर हाई रही थे तब है तो दूर दूर तक दिखने है दे पतला सिंचाई होते हैं ये दे बूंद बूंद वाले थोड़ा ना यही कोतलाना रहीस है मोहलत लगते खेत के बीचों में रख दे रही थे ना बीचों बीच हाँ पूरा पल गिरी थी साइड में लगाए की जरूरत नहीं रही से नोजल इसे बढ़ा सकते है क्या खुशबू आ लगी मिट्टी के बारिश के दिन माथे थे ना आज मैं दोनों पल जी ने दोनों है गाल माओ दोनों रफा दफा दे ठीक है वह पता है बढ़ा मत पाइप लेना है बल्कि यही कोतला ले भले खींच के एक था पाइप ला कम करके ना दे मेरे लिए इनके लिए किया जा रहा है ये सब ये पर कम ले भैया
अब खेत थोड़ा सा दिखाई दे रहा है जहाँ तक सिंचाई हो गई है वो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अब ऊपर की मिट्टी लगभग लगभग भीग चुकी है, लेकिन जब तक नमी वहाँ पर नहीं जाएगी जहाँ पर बिजाई हुई है, तब तक इस सिंचाई का कोई फ़ायदा नहीं है। हवा बरोड़ा थी, तभी वो साइड ज्यादा मारा थी। वो पारा जल्दी पली है, पारा बाद में पली है। प्रेशर ज़्यादा है तेना वही हिसाब से ठीक भी है था, काबर की ना ज़्यादा कम रही प्रेशर ना था हवा में, अब एक पार ला नहीं पल सका। पानी गिरते पीछे बूंदा छोटे छोटे हवा धक्का मारती है, इधर तक पूरा आती है नहीं आई, इधर तक वहाँ तक के बराबर गए, मतलब ये साइड जितना दूर कर रहे उतने अच्छा है हवा इस साइड से। हाँ देखिए बीच में ना है ही नहीं चना, ये पूरा जान दीजिए बीच में। हाँ इसमें कैसे हो है, लेकिन एमन ओल में गए नहीं है, मैं मेरा सिर दिल है गड़े नहीं है। अरे हाँ दे पूरा चना मन दिखा दे, ये है ना गड़े नहीं है तेखर परेशानी है, कि काबर कहा था जानता है, काबर की ना अगर ओले नहीं रीतीच खेत में ना, तब पूरा एक हिस्सा है या एक एरिया है खेत के ना नहीं जामे रीतीच, लेकिन एकदम थोड़ा थोड़ा नहीं जामे है, और फिर वे बगल मन में जामे जामे है। बहुत